हमारी न्यूज आती है बाहर से। ओके ये जैसे मेल आई डी क्या बोलते हैं स्टूडियो रूम, यहाँ पे पूरे ग्रीन स्क्रीन सेटअप हो रखा है, कब उस पर ब्रेक व्हील देना है उसके लिए जो शेड्यूलिंग सारी यहाँ पे। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys? YPM Vlogs back in. Hello uncle. Hi. कहाँ जा रहे हैं? रोहतक. And रोहतक में हम जा रहे हैं फिलहाल OK News के चैनल में, जो कि उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। नाम को आपको बताऊंगा कि जब पूरा न्यूज़ चैनल चलता है कैसे, लाइक उनकी एडिटिंग कैसी होती है, एंड खासकर उनका जो स्टूडियो होता है वो कैसा होता है, उसकी लाइटिंग होती है, उसके कैमराज होते हैं ना एक नंबर होते हैं, सबको दिखाता हूँ वो सर करके कि पूरा कैसा होता है। आपको पूरा दूंगा ढंग से टूर कि ये ऐसे होता है, पूरा एक बताऊंगा प्रोसीजर के साथ में कि एडिटिंग कैसे करी जाती है, फिर लाइव टीवी ऐसे करा जाता है, सबको दिखाता हूँ पूरी वीडियो। जल्दी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को एंजॉय करो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, हैप्पी व्लॉग्स बैक हियर। तो फिलहाल आ चुका मैं ओके इंडिया के ऑफिस पे, यहाँ पे ओके इंडिया का ऑफिस है पूरा, एंड मेरे साथ में यहाँ पे हैं आपका नाम अंकल तरसेम लाल। तो आप यहाँ पूरा दिखाओगे स्टूडियो कैसा है, सो आपको दिखाऊंगा पूरा इसका टूर की पूरा स्टूडियो होता कैसे है, एंड पूरा न्यूज चैनल होता कैसे है। सो चलो पूरा देखो इसको आगे आप। सो यहाँ पे फर्स्ट रूम है, एंड यहाँ पे भैया पूरा क्या होता है, न्यूज़ रूम है ये, न्यूज़ रूम है ठीक है। सो समझाओगे पूरा क्या होता है इसके अंदर। ओके इंडिया का न्यूज़ रूम है, इसमें ये जो डेस्क है हमारा, हाँ जी, इनपुट असाइनमेंट भी बोलते हैं, असाइनमेंट डेस्क है। अच्छा यहाँ पे जो है रिपोर्टों की सारी यहाँ पे। ओके जितने आपको, हाँ जो हैं जो व्हाट्सएप से है, मेल से है, FTP से है, ठीक है, सो सारी न्यूज यहाँ। ओके एंड उसके बाद ये जो है अपनी न्यूज़ पूरी पूरा कौन सा डिपार्टमेंट है दे देते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है ये, तो एडिटर वीडियो। अच्छा वीडियो एडिटर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग चलती है हर एक ग्रीन स्क्रीन वगैरह पे जो होती है, ठीक है। यहाँ पे ओके मतलब न्यूज़ जो है न्यूज़ बनती है। अच्छा न्यूज़ बनती है, बाहर से न्यूज़ आती है बड़ी है, छोटी करके पूरे यहाँ पे इसको पूरा हम लिख के, ठीक है, न्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पूरा आपका मेन न्यूज़ रूम है, म्यूज़ रूम, ठीक है ओके। हाँ जी यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी न्यूज़ आती है बाहर से। ओके ये जैसे मेल आईडी है हमारी। ओके सो आप यहाँ पे आई आती है न्यूज़ रिपोर्टर से, जब पूरे बॉडी ट्रांसपोर्ट से ज़्यादातर हम भी ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से जैसे उठाई, ठीक है, ये आई न्यूज़ हमारी। ओके ठीक है, न्यूज़ आप पूरी कॉपी कर लेते हैं, जो इसमें लोकेशन जाती है कहाँ की न्यूज़ है वो ये जाएगी। ओके सर इसको पूरा आप बनाते हो शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ को, फिर आप इसको प्रेजेंट करते हो। इसको सिर्फ यहाँ से हम सिर्फ न्यूज़ उठाते हैं, इसको उठा के हम आउटपुट पे देते हैं। ओके आउटपुट वो है, इसको हम मेल आउटपुट की मेल बना रखी है उस पे हम डाल देते हैं, आउटपुट वाले अपने उसको मेल को ले लेते हैं। ओके तो फिर वो बनाते हैं उसको, उसकी न्यूज़ उसकी प्रेसी बनाते हैं, जैसे न्यूज़ इतनी बड़ी भेजते हैं लोग, उसकी शॉर्ट में बनाना होता है, क्योंकि न्यूज़ जो है 2 मिनट की ज़्यादा 1.5 मिनट की जिस हिसाब से हमने बनानी है उस हिसाब से वहाँ कटती है, और उसके साथ विजुअल भी देखे जाते हैं। ओके जो विजुअल होते हैं विजुअल दोनों चीज़ लेकर के फिर वो एडिटर के पास कटने जाती है। सर भाई एडिटिंग होती है न्यूज़ की, ये टैक्स लिख के दे देते हैं, ठीक है, उनके साथ वो हुआ उसमें विजुअल भेज देंगे। ओके एडिटिंग के लिए अब से फाइनल कट। सो हम जा रहे हैं फिलहाल ऊपर, एंड ऊपर क्या गया, ये है हमारा PCR MCR सर्वर रूम है, सर्वर रूम भी है, PCR भी है और MCR भी है। PCR मीन्स प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, ठीक है, और MCR मतलब मास्टर कंट्रोल रूम। ओके ठीक है, ये हमारा सर्वर है, ये है। ओके जी मीन्स जो सर्वर पूरे चैनल का हार्ड है वो सर्वर है। अच्छा तो सारा यहाँ पे पूरा AC वगैरह चल रहे हैं, हाँ जो भी वहाँ से न्यूज़ बन के पूरी टोटल आएगी। ओके वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ ये पूरा बुलेटिन जो तैयार होता है वो तैयार होकर के यहाँ आता है। ओके उसके लिए ये इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे वो स्विचर है। ओके स्विचर यहाँ पूरा रूम है, पूरा AC रूम है, पूरा AC इसमें छोड़ते हैं, कूल होने की बिल्कुल AC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्वर है ना, हाँ जी बहुत हैवी है। सेवर सिस्टम नेट का है, ये नेटवर्किंग का है, ठीक है। पूरी जितने हमारे से PC लगे हैं 50 PC जैसे होंगे, उनको सबको कनेक्ट करने के लिए और फाइल जो ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे में, हाँ जी हाँ जी, तो क्योंकि कोई भी एडिटर उठा सकता है, कोई भी भेज सकता है, जैसे आउटपुट पे स्टाफ है सारा, वो सारा उसके लिए ये है। एक बार केबल देखो कितने अलग रखी है, हाँ ये सारे सारे, क्योंकि जितने PC है उसकी अलग अलग केबल है, अच्छा यहाँ से अलग अलग सबके लिए जा रही है। ओके यहाँ पे ये सब कुछ क्या है, ये केबल का सिस्टम है पूरा, जैसे केबल TV सिस्टम लगते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किया कुछ स्पोर्टिंग के लिए चैनल ले रखे हैं, कि क्या चलता है दूसरे चैनलों को फेस करने के लिए, कि हमारे पे क्या जा रहा है और उसके खबर क्या जा रही है, ABP क्या जा रही है, तो उन लोगों को कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने चैनल का एक सेटअप भी लगा लिया, उससे हम लोगों के अपने TV पे चैनल अलग अलग। ये कौन सा रूम है पूरा,
ये हमारा PCR है, ये PCR, ये डेस्क है हमारा, ये PCR रूम का मतलब क्या होता है? PCR प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही, जो एंकर का आएगा और नीचे से जो न्यूज़ कट के आएगी, वो सारा कुछ टोटल यहाँ पैनल पे आ जाएगा। मतलब वहाँ पे लगी हुई है एंड यहाँ पे लग रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कट के टोटल जो खबर नीचे से बनेगी, खबर भी चलेगी, उधर एंकर बोलेगा, पूरी न्यूज़ बन जाएगी। कुछ ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी न्यूज़ बन रही है। उसके बाद इसमें मास्टर कंट्रोल, वहाँ पे कुछ, वहाँ पे शेड्यूलिंग होती है कि जो किस टाइम पे क्या चीज़ चलानी है टीवी पे, वहाँ पे जो हमारा टीवी पे आएगा। तो यहाँ पे हरी होती शेड्यूलिंग की टीवी क्या क्या अभी आएगा पूरा कुछ ये देखते हैं, ठीक है। क्या टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे बुलेटिन चलना है, किस टाइम पे प्रोग्राम चलना है, कब ब्रेक लेना है, कब बोलना है, सारा कुछ टोटल यहाँ पे वो होता है। ओके, सो कीबोर्ड यहाँ पे, कमांड वहाँ से जाएगी, कमांड यहाँ से जाएगी, वो स्विचर है वहाँ से अंदर, वो नीचे। ओके, ठीक है ना, वहाँ से क्या काटना है, एंकर काटना है, हाँ जी, क्या लेना है, जैसे एंकर बोलेगा तो एंकर काट देंगे। ये पैनल प्रोड्यूसर, ये कमांड देंगे सबको, टोटल जितने अंदर बैठे स्टाफ, ठीक है, साउंड वाले को कब साउंड ऑन करनी है, कब डाउन करनी है, सारा टोटल ये पैनल प्रोड्यूसर बताता है, मेन पैनल प्रोड्यूसर होता है। उसने अपने हिसाब से स्विचिंग वाले को बोलना है कि आप विजुअल काट दो या फिर आप लोग ये एंकर को काट दो, साउंड रिकॉर्डर। ओके, साउंड मैडम आवाज आ रही है। तो ये स्टूडियो है, इसके बाद ये हमारा स्टूडियो है, ठीक है। So, इसको बोलते हैं स्टूडियो रूम, यहाँ पे पूरे ग्रीन स्क्रीन सेटअप हो रखा है, पूरा रूम साउंड प्रूफ है, ये साउंड प्रूफ है, ठीक है। और ये जो है ये क्रोमा है, ठीक है, क्रोमा का ग्रीन स्क्रीन है, ओके, ठीक है। ये पैनल है जिस पे डिबेट चलती है, ओके, ये पूरा पैनल पे चलती है डिबेट एंड पूरी लाइटिंग बता रहे, देखो लाइट्स देख रहे हो क्या लाइटिंग सेटअप कर रखा है यार, बहुत सही, पूरा जलाता हूं, ठीक है, श्योर। सो स्पेशल थैंक्स टू भैया की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरी, ये देखो यहाँ पर जो लाइटिंग आएगी ना व्लॉग करते हुए वो नेक्स्ट लेवल आएगी, बिल्कुल लाइक लाइटिंग देख रहे हो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ओके फिल्म वगैरह कुछ लिखा हुआ है, पैनल के लिए है, ओके, यहाँ बैठेंगे तो ये इधर को कैमरा लगेगा, ओके, जब डिबेट, ठीक है, यहाँ बैठेगा, ओके। तो जो भी यहाँ पे हरी शूटिंग होगी फिर वहाँ पे एडिटिंग होगी जा करके, ये जो है ये एंकर है बैठता है, एंकर का ऑडियो जो वीडियो जो सारा टोटल ऊपर जाएगा PCR में, ओके, PCR डिपार्टमेंट जो ऊपर है हमारा, अच्छा, वो अलग है MCR और PCR डिपार्टमेंट ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे कैमरा सेटअप हो रखा है, ठीक है, ये टीपी है, इसमें टीपी रीड करते हैं, ओके, जो भी न्यूज़ की होती है टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है, इसको रीड करते हैं। एंड एक बार जरा ये देखो पूरा स्टूडियो ऐसा है, ये देख लो पूरी हमें सारी स्क्रीन वगैरह दे रखी है, उल्टी आएगी और यहाँ से भी आएगी, ओके, यहाँ से हम उल्टी लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, वहाँ से यहाँ देंगे, ओके। सो देख लो यार ऐसी लाइटिंग हेटा पूरा हो रखा है यहाँ पे, जो व्लॉग करने में मज़ा आ रहा है एक वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आ रहा है, लाइटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी हो रखी है यहाँ पे, पूरा जो रूम है पूरा साउंड प्रूफ है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम है यार। सो यहाँ पे अभी चल रहा है फिलहाल लाइव टीवी। अगली खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जो एक बड़ी खबर है, दिल्ली के मैरोली में दिल दहला देने वाली वारदात आई। नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं ओके इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बांदा के परसोंडा गांव में टूटी हाई टेंशन। तो जो भी चल रहा था ना अंदर लाइव ऑफ टीवी पे आ चुका है यहाँ पे फिलहाल, तो यहाँ देख लो, सर इसमें क्या होगा? यह मेकअप रूम है, जो हमारा एंकर वगैरह सारा मेकअप अपना यहाँ से, ओके सर, ये ओके रूम है, वीओ रूम। तो यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर लेते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे माइक्स एंड ऑल वगैरह पड़े हुए हैं, ये माइक है, इसे इसे आवाज हम इसमें कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, पीसी में इसमें कैप्चर कर लेते हैं, ओके। तो इससे पूरा टीवी पे आ जाती है वॉइस ओवर लेने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग अपनी, यहाँ से हम जो भी है अपनी न्यूज़ पढ़ते हैं यहाँ रिकॉर्ड करके इसको हम सब आगे भेज देते हैं एडिटरों के पास, ओके। ये कौन सा रूम है? म्यूजिक म्यूजिक डबिंग जो है यहाँ पे होती थी हमारा, एक तोरा टीवी म्यूजिक, ओके, तो उसकी जो है डबिंग सारी यहाँ होती थी, अभी हमने स्टूडियो जो है वहाँ बॉम्बे में बना लिया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे देख लो एंड स्पीकर पड़े हुए हैं रॉकेट के, ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह सारे रिकॉर्ड यहाँ पे होते हैं, ओके, ठीक है। एंड म्यूजिक भी हरा ही बनता है सारा, सारा म्यूजिक। सो ये जो पूरा रूम है पूरा साउंड प्रूफ रूम है, ये देख लो यहाँ पे एक और रूम है, यहाँ पे हमारे जो है
जितने इक्विपमेंट वगैरह हैं जो है ताकि सारा कुछ रेडी होने के लिए या फिर यहाँ एकांत में बैठ करके अपना जो हमें म्यूजिक का रिहर्सल कर सकते हैं उसके लिए सारा ये टोटल है। ठीक है ठीक है। हमारे जो स्टाफ जो चैनल के स्टाफ के लिए है जी। स्टाफ की हमें शेड्यूलिंग ऐसी है कि हम लोगों ने 3 शिफ्ट बना रखी है। 3 शिफ्ट फिर भी उसके अलावा जैसे भी ज़रूरत होती है ज़रूरत के हिसाब से हम लोग शिफ्ट का थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं। अच्छा। वैसे मेनली जो 3 शिफ्ट है एक सुबह की मॉर्निंग 6 to 2 PM ठीक है और फिर 2 PM to 10 PM एंड नाइट में 10 PM to 6 PM 6 AM ठीक है 3 शिफ्ट तो इसके ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसको शिफ्ट चेंज भी कर लेते हैं। कुछ है। जो है वर्कर है जैसे एम्प्लॉई हमारे हम लोग उनको जनरल में भी बुला लेते हैं। अच्छा। तो कुछ जनरल में आ जाते हैं जैसे इवेंट के लिए जैसे कहीं वहीं शूट है कहीं बाहर कुछ है तो उसके हिसाब से हम बुला लेते हैं। ठीक है। जो शेड्यूलिंग है टोटली जैसे चैनल चलता है चैनल पर कब न्यूज़ चलनी है कब उस पर हम लोगों ने प्रोग्राम चलाना है कब उस पर ब्रेक व्हील देना है उसके लिए जो शेड्यूलिंग सारी यहाँ पे इसको बोलते हैं मास्टर कंट्रोल। ओके। ये सारी शेड्यूलिंग ओके ये देख लो ये लगा रहता है जैसे प्रोमो है ये चल अरे ठीक है तो ठीक है ये उसके नेक्स्ट क्यों करके रखे हुए हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चल रहा है अब ये चल रहा है हमारा प्रोग्राम। ओके ठीक है ये एक्टिव है। ओके उसके बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम चलेगा। ओके ये क्यूट करके रखा हुआ ये क्यूट करके चैनल में 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी जो होती है चैनल चलाने के लिए एक तो हम लोगों को न्यूज़ कैसे लेंगे बाहर से उनके लिए हम लोगों को रिपोर्ट रखने पड़ते हैं तो हमारा जैसे नेशनल चैनल है हम ऑल ओवर इंडिया अपने रिपोर्टर रखे हुए हैं वो 2 टाइप से रख सकते हैं एक डायरेक्ट हमारे से कंसर्न कर सकते हैं एक हम ब्यूरो रख सकते हैं हर स्टेट के लिए अलग ब्यूरो भी बना लेते हैं जैसे हम यूपी का हम लोगों पूरे यूपी के लिए हमने एक ब्यूरो सेट कर दिया वहाँ एक पर्सन कर दिया है वो अपने रिपोर्टर अपने हिसाब से वहाँ नियुक्त कर लेगा कई बार क्योंकि हम डायरेक्ट लोगों से नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इतने तो उस तरीके के लिए हम लोगों ने ब्यूरो अलग अलग स्टेटों में बना दिए हैं। एक तो चीज़ ये हो गई अपने क्योंकि चैनल का जो है बाकी इसको किस पे डालें केबल पे डालें उनकी जिम्मेवारी वो अपने हिसाब से उसको केबल पे या फिर उसके टाटा स्काई जो भी है लोगों से बता सकते हैं कि ऐसे चैनल हमारा आ रहा है वहाँ पर ये देख सकते हैं आप इतने चैनल पर देख सकते हैं लोगों तक पहुँच जाएगा घर घर तक चैनल पहुँच जाएगा। दूसरा मार्केटिंग का जैसे ऐड के लिए होता है क्योंकि चैनल जो है ज़्यादा मैक्सिमम ऐड पे चलते हैं उसके लिए मार्केटिंग स्टाफ रखना पड़ता है वो भी हम लोग नियुक्त किए हुए हैं कोई परमानेंट रखा हुआ है कोई कमीशन होता है कोई पैसे होते हैं वो अपने अपने हिसाब से होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सारी डिश लगी हैं आपकी सैटेलाइट डिश है ये लाइव के लिए डिश है कहीं से हम वो भी जैन का लाइव लेना है। हाँ जी कहीं वो भी कहीं मिनिस्टर मंत्री जा रहे हैं अपने पीएम कहीं भाषण दे रहे हैं स्पीच दे रहे हैं कुछ जा रहे हैं कहीं तो हम वहाँ से अगर लाइव उठाना है उसको तो वो भी वैन से लाइव उठाना था हम लोगों ने ये डिश है। ओके वहाँ से एंड ये वाली किस लिए वो सैटेलाइट है हमारे डाउनलिंक के लिए अपना चैनल हम लोगों ने जो हमारा ओके इंडिया चैनल आ रहा है उसको डाउनलिंक देखने के लिए हम लोगों ने ये डिश लगा रखी है। ओके क्योंकि ये फ्री टू एयर डिश है और ये टाटा स्काई की है। अच्छा अगर टाटा स्काई को हम देखना चाहते हैं तो ये डिश है। अच्छा ओके ऐसी सेम एयरटेल डिश टीवी और इंटरनेट के लिए एक तो 2 तरह का इंटरनेट है एक तो थ्रू फाइबर आता है और एक थ्रू आरएफ के थ्रू। अच्छा आरएफ के लिए एंटीना है। अच्छा ये आरएफ का इंटरनेट तो इससे आपको स्पीड मिलती है बिल्कुल प्रॉपर स्पीड मिलती है इसके क्योंकि हमने क्या कि वो स्टैंड बाई के लिए रखा है। अच्छा इतना फाइबर वाला है नहीं अगर फाइबर वाला डाउन होता है तो हम आरएफ वाला जोड़ लेते हैं। ओके सो यही थी पूरी वीडियो ओके चैनल के बारे में आपको मैंने पूरा दिखाया कि पूरा न्यूज चैनल चलता कैसे इनका पूरा आपको दिखाया मैंने पूरा टूर सो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स टू तरसेम लाल जी थैंक यू सो मच एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन बाय।